shall start the first chapter from your macroeconomics, some basic concepts of macroeconomics. In this chapter, we have to read about the meaning of macroeconomics. How does macroeconomics differ from economics? Already we read in 11th class, na? Same वही चीज हम यहाँ पर भी repeat करेंगे. Then consumer goods, final goods, intermediate goods, consumer goods, consumption goods, producer goods, ठीक है, and goods for self consumption and goods for exchange, and the concept of depreciation, investment, stock and flow, factor income, current transfers and capital transfers, domestic territory of a country and normal residence of a country, and the concept of NFIA and indirect taxes and economic subsidies. These are the basic concepts which are related to other chapters. ठीक है, shall start. सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? ठीक है, ऑलरेडी वी नो दैट कि दैट इज एज अ होल. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ होल, दैट कम्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा कि हमने एक सिर्फ हमने क्या कहा, हमने पहले एक पेड़ देखा, एक हमने ट्री रिकॉग्नाइज किया. जब ट्री रिकॉग्नाइज किया तो वो आपका माइक्रो के अंदर था. जब एज एन हमने वहां पे फॉरेस्ट के बारे में हमने पूरे जंगल देखा, हमने उसकी बात करी, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स था. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि मैक्रो, मैक्रो एक इंग्लिश हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक टर्म मैक्रोस. ठीक है, जो ग्रीक टर्म से निकला है मैक्रोस वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज. ठीक है, एंड द स्कोप, और यहां पे हमको जितने भी स्कोप्स आ रहे हैं ऑल आर दी चैप्टर. ठीक है, यही हमारे आगे जो है सारे के सारे चैप्टर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो यहां पर क्या था, हमने इससे पहले अभी जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये सारे जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे रिलेट करेंगे आपके किसके अंदर, सारे के सारे आपने नेशनल इनकम के इंक्लूड. ठीक है, देन मनी एंड बैंकिंग, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, determination of foreign exchange and BOP. ठीक है, these all are the part of macroeconomics. Macroeconomics क्या करता है, totally focuses on how an economy functions and how can it be regulated. Means कैसे उसके functions हैं and उसके जो भी functions हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं. ठीक है, तो रेगुलेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसमें हमने कहा नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड. पहले हमने माइक्रो में क्या पढ़ा था, माइक्रो में अगर हम बात करें तो वहां पे हमने सिंपल इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी, हमने वहां पे इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ी. यहां पर हम पढ़ते हैं टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे किस तरीके से पॉलिसीज फ्रेम हुई, कौन सा प्रोग्राम हमने किसके थ्रू हमने इसको जो है हमने यहाँ पे इसको निकाला, तो ये सब चीजें आपकी किसमें आएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स. और आपको ऑलरेडी ये बता दिया गया है फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, जेएम कीन्स. ठीक है, जेएम कीन्स ने यहाँ पर बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आपके ट्वेल्थ में भी इंपॉर्टेंट है, एज अ कंपटीशन बेसिस में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, हु हैज रिटन द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रिटन बाय जेएम कीन्स एंड दैट इज पब्लिश्ड इन 1936. ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है आप लोगों ने. जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है हम उसी को थोड़ा सा पहले यहां पर रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, देन हाउ डज मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स. सिंपल सा है, हमने पहले कहा कि जब हम सिंगल यूनिट की बात करेंगे वो माइक्रो होगा, जब हम एक पूरे कंबाइंड कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, एज अ होल की बात करेंगे, तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हम यहां पर चलते हैं. Microeconomics is the study of individual economic units. ठीक है, whereas macroeconomic study is the aggregate of an economy. ठीक है, क्योंकि अगर fundamental clear नहीं है हम आगे कुछ भी follow नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका जो है basic बिल्कुल clear होना चाहिए. The objectives of microeconomics is the study of the prices of different commodities and factors of
प्रोडक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, स्टडी करना प्राइसेस की एंड डिफरेंट कॉमोडिटीज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो सिंगली हमने देखा। जबकि हम अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इट स्टडीज अबाउट द नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर एंड द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, ठीक है। एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द इनकम थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ध्यान में रखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑपरेट्स करेगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, इंडिविजुअली डिमांड एंड सप्लाई। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा यहाँ पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजंस रिगार्डिंग एग्रीगेट कंजप्शन, मतलब जो भी बात होगी वो सिंगल ही बात ना होकर एग्रीगेट होगी, मीन्स टोटल, ठीक है। एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग्स आर टेकन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इज इट क्लियर? ओके, देन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमने कहा कि एक जो बॉर्डर बाउंड्री लाइन है, ठीक है, जब बाउंड्री लाइन के अंदर वर्क हो रहा है दैट इज इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है। और जब बाउंड्री लाइन क्रॉस हो जाती है, प्रोडक्शन जो है आपका फाइनल हो गया है, कंजप्शन आपका लास्ट है, तो वो आपका फाइनल गुड्स है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, ठीक है। तो बात करते हैं फाइनल गुड्स, तो क्या है फाइनल गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल कंजप्शन, मींस लास्ट यूटिलाइजेशन, मतलब हमने जो लास्ट में यूज कर लिया है वो आपका फाइनल गुड हो गया, फाइनल कंजप्शन जो हो गया वो आपका फाइनल गुड है। मतलब अब हम उस कोई भी जो कमोडिटी है हम उसको यूज नहीं कर सकते, एंड ऑफ यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फाइनल कंजप्शन एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट आर फाइनल गुड्स। जैसे यहाँ पर हमारे पास हमने लिया गुड्स परचेज बाय अ कंज्यूमर हाउसहोल्ड एज दे मेंट फॉर फाइनल कंजप्शन, जैसे कोई भी एक हाउसहोल्ड है, ठीक है, तो उन्होंने मिल्क लिया एज अ मिल्क फूड परचेज बाय हाउसहोल्ड, तो उनके लिए ये क्या है, ये फाइनल कंजप्शन है। जबकि यही कॉमोडिटीज अगर कोई रेस्टोरेंट में यूज होता है, कहीं पर जो है इस तरह से होटल्स वगैरह में यूज हो रहा है, तो वहां पर वो उसका फाइनल कंजप्शन नहीं होगा, वहां पे वो क्या होगा, एज अ इंटरमीडिएट गुड्स यूज करेंगे, क्योंकि वो उससे क्या कर रहे हैं, कुछ अलग मटेरियल्स आगे फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। जैसे मिल्क आपका आइसक्रीम बन गया, तो जो आइसक्रीम थी वो फाइनल गुड हो गया, और मिल्क जो है आपका एज अ रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। गुड्स परचेज बाय फर्म्स और कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखो गुड्स जो है हमने दो टाइप से डिस्क्राइब करी, एक तो क्या था जो कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स के लिए होगा, जो उसने यूज करा, ठीक है, और आपका फाइनल कंजप्शन वहीं पर खत्म हो गया। दूसरा यहाँ पे जो भी एक इन्वेस्टमेंट के रूप में जो फर्म्स हैं वो कैसे यूज करें गुड्स को, कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट के रूप में, लाइक एज इन मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, ठीक है। तो सिंपल सा हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड, क्योंकि एक बार हमने कंजप्शन कर लिया है इट मींस दे आर फिनिश्ड, ठीक है, नॉर यूज फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मींस अब हमने जब यूटिलाइजेशन कर लिया है हम किसी अदर प्रोडक्शन में उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दीज आर नॉट रॉ मटेरियल, दीज आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, वो किसी मतलब ये वैल्यूएबल गुड्स हो गए हैं, एक फाइनल जो है वो आपका खत्म हो गया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में हम दे सकते हैं मिल्क परचेज बाय हाउसहोल्ड्स एज अ फाइनल गुड, मशीन परचेज बाय अ फर्म फॉर इंस्टॉलेशन इन फैक्ट्री, फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल इज अ फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज परचेज फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह के जो भी हमारे पास एग्जाम्पल्स है दीज आर टर्म्स इन फाइनल गुड्स, ठीक है। देन इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स में हम सिंपल बताया आपको, सिंपल सा ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है कि दोज आर रॉ मटेरियल एंड दे डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। एक सिंपल सी लाइन होता है, सिंपल सा यहाँ पे हम एक लाइन लिख देते हैं, उससे क्लियर हो जाता है व्हाट कम्स इन फाइनल एंड व्हाट कम्स इन इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो ध्यान में रखना है क्रॉस द बाउंड्री लाइन एंड डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन, ठीक है। तो डू नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन जो हो गया दैट इज इंटरमीडिएट, एंड विच आर क्रॉस द बाउंड्री लाइन दैट कम्स इन
फाइनल गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स ऑन द अदर हैंड आर दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन. मीन्स हम किसी ना किसी चीज में उसको यूज कर रहे हैं. चाय बनानी है तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऑल आर रॉ मटेरियल, और जो वन कप ऑफ टी जो है दैट इज फाइनल गुड. ठीक है, अपने जब भी हम कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, कुछ भी हम लोग कुछ भी अगर कहीं से हम रीड कर रहे हैं ना, तो आपको अपने सराउंडिंग से अपने एग्जाम्पल्स लेकर आने चाहिए. ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चनिंग है तो क्वेश्चन आपने उसके अकॉर्डिंग वहां पर पूछने चाहिए, अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए. ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, हम लोगों को लर्न रहता है लंबे टाइम के लिए. इंटरमीडिएट गुड्स तो ये क्या हो गए, रॉ मटेरियल जो क्या है आपकी फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, एंड फॉर री सेल इन द सेम ईयर. जबकि फाइनल में हमने क्या कहा था कि एक बार खत्म हो गई है एंड दे आर फिनिश्ड, जबकि यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, हम उसको क्या करते हैं, जब बच गई है तो हम उसे रीसेल कर देते हैं. ठीक है, फाइनल गुड्स, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, तो हम यहां पर आते हैं डिफरेंस में. तो फाइनल गुड्स क्या है, रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर फाइनल कंजप्शन एंड फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट. तो फाइनल गुड्स में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहां पर जो है आपका क्या है, फाइनल कंजप्शन एंड फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट. डिफरेंस अगर हम लोगों ने आप पे लर्न कर लिया तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स में क्या आ जाएगा, यूज आइदर फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल सेम ईयर. जैसे हम एक लैंड करते हैं तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिकली लैंड हो जाता है. ठीक है, फाइनल गुड्स डू नॉट पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस. इंटरमीडिएट गुड्स क्या करेंगे, पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि वन वन करके हम उसको क्या करें, वी आर यूजिंग एज अ रॉ मटेरियल. दीज आर फॉर फाइनल यूज एंड दीज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन. ठीक है, देन एस्टिमेशन ऑफ बोथ नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम, दोनों में आपकी फाइनल गुड्स इंक्लूड होंगी. एंड एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, दोनों में यूज नहीं होती है बिकॉज दे आर एज अ रॉ मटीरियल. ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते. जितना भी आपका रॉ मटेरियल होता है, जितनी भी आपकी इंटरमीडिएट गुड्स होती है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी और नेशनल इनकम. ठीक है, एग्जांपल्स परचेज ऑफ व्हीट, मिल्क, क्लोथ, ब्रेड, फर्नीचर, दीज आर एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स. वेयर एज मिल्क परचेज बाय अ रेस्टोरेंट दैट कम्स इन इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि उस मिल्क से वो और अदर थिंग्स जो है उसको बना रहे हैं. ठीक है,